आज वीडियो में तो आप लोगों को मैंने ड्रैगन को नहीं दिखाया था। यहाँ पे पुलिस वगैरह है, अभी मत मारना ठीक है। साला ब्लॉगर रे। अरे भाई लास्ट वाला वही कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो गया? अभी आमिर भाई गिर जाता। आमिर भाई भाग रहा है साला। शिट यार बाइक पूरा गंदा हो गया। पागल हो जाएगा भाई। तू तो तेरे को पीना था भाई। तो तू पूछेगा ना भाई एटलीस्ट। तो हेलो गाइस यार कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड गाइस यार अभी सुबह के कुछ बज रहा है 7 एंड आज हम लोग कहाँ जाने वाले भाई? राइट पे निकल रहे हैं भाई, क्योंकि यार कल से हम लोग ना अपार असम के लिए राइट पे निकलने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग गुवाहाटी सिटी को और एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। दो ब्यूटीफुल बाइक्स देख सकते हो भाई ठीक है। लास्ट वीडियो में तो आप लोगों को मैंने ड्रैगन को नहीं दिखाया था, सो जस्ट लुक एट दिस बीस्ट मैन ठीक है। पूरा ड्रैगन है, तो ड्रैगन का मुंह भी बन चुका है और फ्रंट का लुक देख रहे हो भाई, कितना डेविल लुक दे रहा है ना, पूरा अल्टीमेट लग रहा है भाई। पूरा ये वाला जो ब्लैक करने की वजह से और अल्टीमेट दिख रहा है एंड अजब गजब लग रहा है भाई। और भाई यार ये बाइक में इतना सारा एक्सेसरीज लगा हुआ है ना भाई, इसके लिए और ज़्यादा मतलब प्यारा दिख रहा है ना। एग्जैक्टली जो मतलब मैरून कलर में जो चेसी और रिम्स वगैरह है इसके लिए और प्यारा दिख रहा है बाइक एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गैंगस्टर का बाइक है ना। जो भी है एंड साथ में भाई टोक्यो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पड़ी एग्जैक्टली पड़ी। एंड मैंने गाइस यार लास्ट वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा था, ये देख सकते हो, ये ना मैंने येलो टिंट में कर दिया है, तो थोड़ा सा येलो लाइट दिखेगा। एंड ये वाला भी मैंने करवाया नया, बहुत ही कूल दिख रहा है। एंड सामने देख सकते हो एक यहाँ पे बियर भाई का सैमी, ताकि मतलब गोप्रो व्यू से ना गाइस ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखे। गाइस यार आज ना अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या मंदिर के साइड से डीकैथलॉन के तरफ जाएंगे, क्योंकि यार डीकैथलॉन से कुछ सामान वगैरह हम लोगों को उठाना है। मेरा ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ट्रेना चलाने के कारण, तो मुझे ना एक मसाजर टाइप लेना ही है। एंड या गाइस चलो अभी कुछ बज रहा है 8 बज रहा है, 9 बजे डीकैथलॉन खुल जाएगा, उतना देर में तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। क्या वीडियो तबाही होने वाला है। एंड वेदर भी गाइस यार मस्त है, कोई धूप भूख का कोई सीन ही नहीं है भाई यहाँ पे, है ना, गजब गजब वेदर है। यहाँ धूप भी नहीं होता है ठीक है, लास्ट 2-3 दिन से भाई ऐसा ही वेदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा वेदर होने के कारण। तो चलो गाइस यार आज हम लोग तवाई मचाते हैं, ट्रैगन पे व्हीली भी देखने को मिलेगा और व्हीली मारते हुए उड़ना जाए, मुझे बस यही डर है। एंड गाइस यार आप लोग बताओ कि ये जो बैंड मैंने पहना है ठीक है हेड पे, वो कैसा लग रहा है? आमिर भाई भी पहन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी पहन लेता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है एकदम फुल, तो फंकी टाइप लुक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना एक। और भाई यार यहाँ पे स्टार्ट मत करना, दोनों बाइक यहाँ ये सोसाइटी में स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी के सारे लोग भाई उठ जाएंगे, उसके बाद भाई हम लोगों को मार पड़ेगा ठीक है। बाहर चल निकल के भाई बाइक को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार दोनों बाइक स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हो यार कितना ज्यादा लाउड है यार दोनों बाइक कोल्ड स्टार्ट पे। भाई यार मारेगा भाई, क्या कर रहा है भाई। चल भाई यार सामने लेके चलते हैं इसको। Look at these two beast, खतरनाक। ये भाई क्या लग रहा है, प्यारा लग रहा है हा? इसका देख ये वाला, ओ सिर्फ यही चल रहा है, यही वाला चल रहा है, खतरनाक लग रहा है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं असम में नॉर्थ ईस्ट राइड कर रहा हूँ अपनी सुपर बाइक लेके, एंड आप लोगों को मालूम ही है कि सुपर बाइक लेके राइड करना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो अक्सर आप लोग पूछते रहते हो मुझे कि मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाता हूँ, तो आज मैं आप लोगों को एक इनोवेटिव एंड रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है currency.com, जिससे मैं ये सारे चीजें मैनेज कर सकता हूँ। तो गाइस currency.com पर ना आप लोग फेमस क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते, और इतना ही नहीं गाइस currency.com पर आप लोग 1500 टोकेनाइज एसेट पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक गूगल, एप्पल, टेस्ला और टोकेनाइज गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस currency.com पर ना आप लोगों को सबसे लोएस्ट कमीशन देखने को मिलेगा, एंड अगर आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा भी रिस्की लगे तो आप लोग ना पहले डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करना सीखो, क्योंकि यार यहां पर डेमो अकाउंट रियल अकाउंट की तरह ही काम करता है। और इतना ही नहीं गाइस currency.com पर ना लर्निंग सेक्शंस भी है जहां पर आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। currency.com iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म में आप लोगों
आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग आपके फ्रेंड को रेफर करते हो एंड आपका फ्रेंड रजिस्टर करके वेरिफिकेशन करता है और 30 दिन के अंदर में एक ट्रेड करता है तो आप दोनों को ही बोनस मिलेगा। तो यार गाइस देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, जाके आज ही डाउनलोड करो currency.com को। गाइस यार फ्यूल भी खत्म है तो फ्यूल फटाफट से भरा लेते हैं। अच्छा हुआ कि यार फ्यूल पंप एकदम बाजू में ही है। क्या जीप है यार, कितना साल पुराना है भाई? 30-35 साल। सही है भाई, हाँ फिर भी चल तो रहा है ना, यही मैटर करता है भाई। सही है भाई, ये लोग भी आ गया। हाय यार, मैंने लास्ट दिन ही 1000 का भराया था, फिर से खत्म हो गया। और गाइस यार सच बताओ तो यार ये बाइक बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है, डायमंड डेविड लुक एकदम है भाई इस बाइक पे। तो गाइस यार सुबह भाई बाइक राइड करने का मजा ही कुछ अलग है। बहुत दिन हो गया भाई यार हम लोग संडे राइड्स पे नहीं गए। कलकत्ता में सुबह एटलीस्ट संडे राइड्स करने को मिलता था। गाइस यार जब से यार हम लोग बाहर निकले हैं असम राइड के लिए तब से यार संडे राइड्स तो भूल ही गया भाई। सुबह मॉर्निंग राइड्स भी नहीं हो पाता है। आज भाई यार बहुत दिनों के बाद सुबह हम लोग निकले, यार सच बता रहा हूँ ठंडा सा एकदम से। ओ भाई खतरनाक यार, लोग सारे के सारे देख रहे। ओ भाई साहब क्या ही था भाई, ये कितना दूर मार दिया यार, लंबा उंगली मार दिया यार, लोग तो सारे भाई चौंक ही गए होंगे। भाई साहब मजा आ गया भाई सुबह आमिर भाई का उंगली देख के। लुक एट द ड्रैगन यार, क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई एकदम से, डेविल लुक मैट ब्लैक। और आमिर भाई के साथ ना ये ड्रैगन एकदम से मैच कर रहा है रेड कलर की टी शर्ट के साथ, गजब दिख रहा है भाई। सच बता रहा हूँ भाई यार ये दो बाइक ना अभी इंडिया में फेमस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा रैप किसी ने नहीं किया है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच विक्रम भाई हमारे दोनों बाइक्स को इतना ब्यूटीफुल और इतना यूनिक बनाने के लिए। तो गाइस जिन लोगों को सुपर बाइक्स वगैरह रैप करवाना है ना तो विक्रम भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है ऑटो रैप्स GHY, सर्च कर लेना भाई। बहुत ही क्रेजी रिएक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और क्या बैक फायर मार रहे हैं, भाई क्रेजी साउंड निकल रहा है भाई। तो दो सुपर बाइक जब रोड्स पे रूल करते हैं ना भाई ऐसा ही आवाज निकलता है। ओ भाई पीछे यार इश्तियाक बैठा है तो इसीलिए ना मैं ज्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि यार उसके हाथ में कैमरा भी है A7C, गिर गया तो भाई यार 2-3 लाख का फटका हो जाएगा। आमिर भाई ना फर्स्ट गियर में इतना खींचता है इसीलिए यार खतरनाक आवाज निकलता है, बाप रे बाप, मैं खुद ही कभी कभी डर जाता हूँ। टेयरिंग नंबर पे जो ये लिखा हुआ है बियर भाई का सेमी, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। गाइस यार लुक एट दिस बिल्डिंग, टाइटेनिक की तरह दिख रहा है भाई। तो गाइस यार गुवाहाटी में भी ना ब्रिज वगैरह बहुत ही अच्छा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कलकत्ता के रोड्स में ही चला रहा हूँ, एकदम सिमिलर लाइक कलकत्ता। ओ अभी आमिर भाई गिर जाता, लास्ट वाला व्हीली कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो गया, तो गिरता अगर तो समझ में आता यार। सुबह क्या क्रेजी रिएक्शन देखने को मिल रहा है भाई। एग्जाम्स वगैरह चल रहा है क्या भाई? अच्छा चलो आराम से एग्जाम्स वगैरह दो भाई। यार यहाँ पे ना एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल। यार मैंने दोस्तों को बता दिया कि यार वहाँ पे ना 1-2 घंटा लग जाता है भाई, लाइन देके पूजा देना पड़ता है। सोच रहा हूँ कि आने के टाइम एक बार विजिट करके जाऊंगा। फ्लाईओवर का काम चालू है, मेरे ख्याल से मेट्रो का भी हो सकता है, आई डोंट नो। और जैसे कि मुझे लगता है कि गाइस यार 5-6 साल बाद ना गुवाहाटी सिटी और डेवलप्ड हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं है, बस ये पुलिस अंकल सब चीजों को मैनेज कर रहा है। मेरे ख्याल से यार ये मेट्रो का ही बन रहा है। तो गाइस यार मेरे ख्याल से अभी हम लोग आ गए हाईवे के ऊपर। गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो सोलर पैनल लगा हुआ है, मतलब रात को ना यही सोलर पैनल से ही लाइट्स वगैरह जलता है, अच्छा सिस्टम लगा के रखा है यहाँ पे। देख सकते हो हाईवे कितना खूबसूरत है भाई, ठंडा सा हवा चल रहा है भाई, मजा आ गया भाई आज सुबह राइड करके। अरे बाबा, ओ भाई साहब यार
क्या तेज लगा भाई, हाथ पैर सब जल गया भाई। अबे डरने का बात नहीं है, पता है क्या हुआ, तेरा पीछे से जो टायर से ना पत्थर उड़ के साला हाथ में इतना तेज लगा ना भाई, देखना सारा जगह लाल लाल हो गया भाई। भाई मैं तो एम मोड पे चला रहा हूँ, देखना भाई चांस तो स्पोर्ट्स मोड पे ट्यून करा दे भाई, पागल हो जाएगा भाई। फुल मोड रख के ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पे रख देना है ना भाई, ऐसे ही पागलों की तरह चलता है। गाइस यार यहाँ पे एक भाई मिल गया, और भाई पीछे देख सकते हो कार खड़ा है, और ब्रिज से आया, पता है लास्ट ब्रिज से भाई, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर से फॉलो करते हुए आया। ठीक है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है भाई के लिए, बहुत अच्छा लगा भाई भाई से मिल के। तो गाइस यार बहुत भूख लग गया था, अभी कुछ सुबह के 9 बज रहे हैं, हम लोग कुछ यार इस तरीके का रेस्टोरेंट पे रुके हैं। देख लो भाई दोनों भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाओ भाई खतरनाक दिख रहा है भाई, दोनों बाइक का टेल टाइडी भी सेम है, इसको फ्लिप कर देते, आप देखो भाई खतरनाक दिख रहा है। यहाँ पे 2 ही सिर्फ अंडा दिया था, 4 अंडे दिए थे, मेरे से 2 खा लिया। क्या भाई क्या सीन है, वाह बेटे वाह भाई, एक मीठा नींबू पानी बना दो भाई, भाई यार 2 अंडे और दो यार मेरे को, पानी बना दो, तू मोटा ना हो जाए इसका मैं ख्याल रख रहा हूँ भाई, अंडा खाने से कोई मोटा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, अंडा ही तो है इतना पेट में। A few moments later. ये छोटा सा धावा है, इसमें भाई 40 रुपीस का बॉइल्ड एग, मेरे हिसाब से दुबई में भी अंडा इतना महंगा नहीं होगा, क्या बोलते हैं भाई यार, नींबू पानी 60 रुपीस का सुबह सुबह भाई, 60 रुपीस का हम लोग 4 ग्लास पी गए भाई, 240 रुपए का भाई नींबू पानी पी गया भाई। 5 स्टार होता तो तब भी समझ में आता कि हाँ भाई 5 स्टार में नींबू पानी पी रहे 60 रुपीस का, खतरनाक भाई। ठीक है भाई, पता ही नहीं था भाई इतना महंगा है, बंक मार क्या है, मम्मी पापा को टैग करो गाइस, बोलिए क्या तो गाइस यार कभी भी यार कोई ढाबे वाबे में खाना हो ना तो पहले यार प्राइस वगैरह पूछ लेना भाई, हम लोगों को प्राइस पहले पूछ लेना चाहिए था और मेनू कार्ड पहले देख लेना चाहिए था। तो गाइस यार ये सब ढाबे वाबे से ना मतलब थोड़ा सा बच के रहना। ओके भाई बाय बाय। गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंच गए डीकैथलॉन में, और वाओ यार कितना बड़ा स्पेस है यार यहाँ पे, है ना। तो गाइस यार अभी हम लोग आ गए फाइनली डीकैथलॉन में, नींबू पानी 60 रुपए का पिला दिया, सुबह सुबह 500 रुपए की, तू तो तेरे को पीना था भाई, को क्या पता था भाई 60 रुपए का नींबू, तो तू पूछेगा ना भाई एटलीस्ट मिनरल वाटर रिप्लेस। साला पहली टाइम कोई ढाबा पे हम लोग 60 रुपए का नींबू पानी, 40 रुपए का बॉइल्ड एग, होटल में भी 60 रुपए का नींबू नहीं मिलता है भाई, नींबू पानी में के लिए क्यों 60 रुपए भाई, क्या स्पेशल था उसमें, नींबू डाला पानी डाला, अजीब बंदा यार। ओ भाई ब्रो वो मसाजर वगैरह किधर मिलेगा, मसाज जो यस इज द थिंग, चावला भाई तुम्हारी याद आ गई, यस यही तो ढूंढ रहे थे भाई हम लोग, देख रहे हो भाई कितने सारे हैं। यस ये बहुत मस्त चीज है, आप लोग ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी बैक पेन वगैरह हो, सर पे मसाज वगैरह करना हो, भाई लोग क्या क्या सीन चल रहा है, बहुत भाई राइट के टाइम बहुत काम आएगा, मुझे पता है तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो, कहीं और इस्तेमाल करो, कितना शांत जगह है ना भाई एकदम से। हाँ यार रेनकोट वगैरह चाहिए भाई। तो गाइस यार ये मेरा ना फर्स्ट टाइम विजिट है डीकैथलॉन में, मैं इसके पहले कभी विजिट नहीं किया था डीकैथलॉन, बट यार बहुत मस्त जगह है। 1 hour later शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गया है, हम लोगों ने कुछ आर्म स्लीव्स वगैरह लिया, उसके बाद फिर मसाजर, ये चीज भाई सबसे काम का है, ये चीज के लिए हम लोग आए थे डीकैथलॉन में। एंड या गाइस यार अभी हम लोग फोटोशूट वगैरह करेंगे एंड उसके बाद फिर स्वी घर पे। गाइस यार यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट एंड रील्स शूट, देख सकते हो खतरनाक, और यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगन, यार क्या खतरनाक दिख रहा है ना भाई, इधर से रील बनाएगा तो होगा ना पसीना भाई, ठीक है। तो गाइस यार अभी हम लोग रील वील बना रहे थे और आमिर भाई भाग रहा है साला, भाग गया, गजब सीन है भाई।
आज यार बहुत मजा आया एंड सारे फोटोज एंड रील्स वगैरह आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे दिखने को मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इट्स मी बी अ बाइकर। 200 के होने ही वाला है तो जल्दी से कर दो भाई। जूस वूस पी रहे थे रेड बुल्स वगैरह। अभी घर की तरफ चलते भाई, 11 बज गया। रुक जाओ भाई, सांड की तरह भारी है भाई ये। ले भाई वो तो भाग ही गया भाई। तो गाइस यार आज का सुबह यार बहुत ही मजेदार गया। बहुत दिनों के बाद गाइस यार मॉर्निंग राइड करके मजा आ गया। अब फटाफट से चलते यार घर के तरफ। डिकैथलॉन से अभी हम लोग ने ये आर्म स्लीव्स वगैरह उठाया था, मैंने अभी पहन लिया क्योंकि यार नहीं तो हाथ पूरा काला हो जाएगा। ये भाई गलत जगह पे हेलमेट्स को रखा है, ऐसे नहीं रखना है गाइस, यहाँ पे इन्हें कभी नहीं रखना है। अभी भाई बीच रास्ते में, अच्छा ठीक है आ जा साला, बीच रास्ते में बस को खड़ा करके चल 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 भाई। यार पीछे पिलियन था तो इसी वजह से ना सही से चला नहीं पा रहा था, और ऊपर से भाई यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो खतरनाक वाला। ओ भगवान इतना ट्रैफिक भाई, इस त्याग का पूरा गया पिछवाड़ा खत्म, टाटा बाय बाय, पीछे गया। शिट यार बाइक पूरा गंदा हो गया। तो गाइस यार ये लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हो ना आप लोग, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड गाइस यार मैंने ना एक चीज नोटिस किया कि भाई यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा भाई ग्रीनरी देखने को मिल रहा है।